Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Mock Exam MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to prepare for CAT 2021 exam because we have again resumed our Quants Booster series और आपके सामने काफी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है आपको. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है guys, quality question का. ऐसा क्वेश्चन मॉक्स में काफी बार पूछा चुका है एंड काफी conceptual है. ठीक है, I've seen that 99% students answer this question wrong. काफी लोग जल्दीबाजी में आंसर गलत कर देते हैं इसका एंड वो काफी कॉन्फिडेंट रहते हैं कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखने में जिसने क्वालिटी क्वेश्चन बढ़ी है उसको इजी लगेगा, बट क्योंकि उसको एक कंसेप्ट छोटा सा नहीं पता होता है वो जल्दीबाजी में गलत कर देता है. तो आपको मैं बोलूंगा कि आप लोग बिना सॉल्यूशन देके उसको सॉल्व करो और फिर कमेंट करो कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया. ठीक है, कमेंट करके बताओ. ठीक है, चलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट. देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा है. तो गाइस क्या दिया गया, द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन 3x² + 17x + 6 is equal to 0 आर इन द रेशियो पी टू क्यू. कंप्यूट अंडर रूट पी अपॉन अंडर रूट क्यू प्लस अंडर रूट क्यू अपॉन अंडर रूट पी. सब कुछ मतलब रूट में है और रेशियो जो रूट्स का है वो p is to q है. ठीक है, तो जनरली आप p is to q को ले सकते हो px and qx रूट्स. ठीक है, दो हमको पता है कि जहां मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो हमारा x x ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो मतलब नहीं बट स्टिल ले लो. ठीक है, तो गाइस आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, काफी बच्चे गलती क्या करते हैं, व्हाट दे डू इज इसको एलसीएम लेंगे और ये लिख देंगे इसको ऐसे p plus q upon under root pq ऐसे लिख देंगे इसको और फिर सम ऑफ रूट्स लगा देंगे. ठीक है, हमने एक्स एक्स काट दिया नीचे से. ठीक है, वो कट जाएगा ना एक्स एक्स पी एक्स क्यू एक्स एंड पी क्यू में एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स एक्स कट जाएगा ऊपर से क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का रूट एक्स होगा और ऊपर भी पी एक्स होगा, नीचे यहाँ पे भी क्यू एक्स होगा तो कट जाएगा. तो बेसिकली गलती ये करते हैं बच्चे, यहाँ पे पी प्लस क्यू लिखा उन्होंने, पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या आएगी -17/3. अभी मैं वो बता रहा हूँ जो बच्चे गलती करते हैं, फिर मैं अपना बताऊंगा. ठीक है, ये लिखा उन्होंने ऐसा क्योंकि आप क्या हो सम ऑफ रूट्स क्या होता है -17/3 -b/a ये लिख दिया अपॉन प्रोडक्ट रूट्स क्या होता है 6/3 c/a तो √2. तो उनका आंसर आएगा -17/√2. अगर ऑप्शंस में जाओ आप √2 मल्टीप्लाई कर दो तो उनका ऐसा आंसर आएगा कुछ 17√2/6. वो बहुत खुशी खुशी सी मार्क करके चले आएंगे और सोचेंगे बहुत बढ़िया कैट का एग्जाम हुआ, बट ये गलत है, माइनस नहीं आएगा. आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ ना, देखो सब कुछ जब रूट में है तो माइनस में आंसर कैसे आ सकता है. ठीक है, तो आपने गलती कहाँ पे की पता है, आपने गलती की है यहाँ पे. आपको ये करना चाहिए था अंडर रूट पी इंटू अंडर रूट पी होता है अंडर रूट पी का स्क्वायर. ठीक है, प्लस अंडर रूट क्यू इंटू अंडर रूट क्यू होता है अंडर रूट क्यू का स्क्वायर और अंडर रूट पी का स्क्वायर आपका होता है मॉड पी प्लस मॉड क्यू. कभी भी याद रखो गाइस, रूट दो मल्टीप्लाई कर रहे हो, रूट मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो मॉड बन जाता है. ठीक है, मॉड मॉडुलस से पता ही आपको, अंदर कुछ भी रखो पॉजिटिव ही आएगा. तो मॉड पी अपॉन मॉड क्यू अंडर रूट पी क्यू ये होगा. तो मॉड पी प्लस मॉड क्यू की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी 17/3 क्योंकि नेगेटिव सम हो ही नहीं सकता ना जब दोनों में मॉड लगाए. जब ये आपका प्लस है ये आपका प्लस है तो ये आपका सम कैसे आ जाएगा माइनस, तो आपको 17/3 लेना होगा. 17/3 अपॉन रूट टू तो ये आपका आ जाएगा 17/3√2 मल्टीप्लाई कर दो √2 से. ठीक है, तो आपका आ जाएगा 17√2/6 आपका ए आएगा आंसर. ठीक है, मैंने कई बार देखा ग्रुप में, काफी दिन से ग्रुप में एक क्वेश्चन घूम रहा है एंड काफी लोग को कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ए आंसर आया. तो आपको साफ साफ पहले दिख जाना चाहिए भाई कि अगर सब कुछ रूट में है, क्योंकि अंडर रूट कोई चीज अगर है तो फिर वो नेगेटिव में नहीं आ सकता ना, वो चीज किसी चीज का अंडर रूट लोग नेगेटिव आ ही नहीं सकता, वो इमेजिनरी हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, नेगेटिव नहीं आ सकता बेसिकली वो. ठीक है, तो ये रीजन इसका है. तो यहाँ पे आपको ये बस कंसेप्ट याद रखना है, कभी भी दो रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अंडर रूट ऑफ सम स्क्वायर विल बी मॉड. ठीक है, तो ये मॉड होगा, मॉड पी प्लस मॉड क्यू अपॉन रूट बी क्यू. ये मॉड ऑफ पी प्लस क्यू आपको पता है सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई होता है, पर यहाँ पे मॉड लगा हुआ है तो दोनों जब इंडिविजुअली पॉजिटिव हैं तो सम कैसे नेगेटिव आ जाएगा, 17/3 आएगा सम. ठीक है, तो आपका आंसर आएगा ये. इसको रट लो अच्छे से, क्वेश्चन रटने मतलब कंसेप्चुअली समझ लो क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा गया नॉन एम कैट वगैरह में. ठीक है, बच्चे गलत करके आते हैं फिर कहते हैं हमारा कैसे क्या पेपर. ठीक है, तो गाइस ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सीखने हैं और सच बता रहा हूँ गाइस, क्वांट से 500-600 कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ नहीं कैट में. इट इज मोर अबाउट हाइप. ठीक है, बट वही कि कौन कितना देख पाता है, कौन कितना पढ़ पाता है. ठीक है, स्ट्रक्चर में पढ़ोगे हो जाएगा. ठीक है, बाकी तो फिर वही है कि बच्चे टाइम बर्बाद करते ही अपना, यहाँ वहाँ के ग्रुप्स में सॉल्व करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर में मटेरियल नहीं करेंगे. और गैस अब ये पीक टाइम आ चुका है, वैसे तो आइडियली इस टाइम पे आपका सिलेबस हो जाना चाहिए बट स्टिल ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हो और ढंग से स्ट्रक्चर में कर रहे हो, ठीक है, तो भी आप आराम से अच्छा स्कोर ला सकते हो कैट में. ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अगस्त में स्टार्ट करते हैं और कैट में आई एम इंदौर से कॉल आता है उनको.
कि वही बात है कि आप कैसे पढ़ रहे हो मैटर वो करता है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मटेरियल उठाओ, जो भी कोचिंग लिया आपने उसका पूरा करो अच्छे से। खाली कोचिंग मटेरियल इकट्ठा करने से नहीं निकलेगा कैट, वो खुशी बहुत होती है अंदर से क्या बस ये भी है वो भी है, बट होता कुछ नहीं है, क्योंकि कोई किसी बात से इतना डिसिप्लिन नहीं होता है कि वो रिकॉर्डेड वीडियो ढंग से देखे, वो पाइलअप होता चला जाता है। और जब भी आप कोई कोचिंग कर रहे हो तो गाइस लाइव क्लास अगर कर रहे हो तो प्लीज लाइव ही अटेंड करो उसको, ठीक है, जितना टाइम लगे। लाइव अटेंड करने में बहुत फायदा होता है, सामने सामने डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। काफी लोग बोलते हैं सो जाओ, लाइव नहीं करना, छोड़ो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, और रिकॉर्डिंग कभी नहीं देख पाओगे आप। आपको लगता है आप देख लोगे, आपकी इतनी पाइलअप हो जाती है रिकॉर्डिंग आपकी, फिर आपको लगता है यार बहुत सारा हो गया, फिर अक्टूबर आ जाएगा ऐसे करके, फिर आपका रिविजन के टाइम पे आप देख रहे हो रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें गाइस, जो लोग अभी भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं बहुत ही स्ट्रक्चर में, वी आर स्टार्टिंग अवर लास्ट बैच 15 जुलाई। वैसे तो हम लोगों को प्लान नहीं था कोई बैच स्टार्ट करने का, बट क्योंकि काफी लोग पिंग आ रहे हैं, सब लोग ये पूछ रहे हैं न्यू बैच कब हो रहा है, तो न्यू बैच हम लोग को करना पड़ा। तो ये जो बैच है ये बिल्कुल स्क्रैच से होगा, आपने कभी कैट की तैयारी करी नहीं 10th के बाद, ऐसा मान लो आप, मतलब 10th के बाद आपने कॉन्स पढ़ी नहीं, सपोज करो, हर एक चीज बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगी। और आपका जो सिलेबस है ये आपका 20 अक्टूबर तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, कैट आपका नवंबर एंड में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सिलेबस मतलब है हम लोग कोई भी चैप्टर उठाते हैं तो उसको जीरो से लेकर जेड लेवल तक जाते हैं, फिर लेके जैसे एपी जीपी हम लोगों ने पढ़ाई है जब, तो 5 सेशन एक एक घंटे खाली एपी जीपी के हुए हैं। लोग बोलेंगे एक एक घंटे के 5 सेशन में क्या पढ़ा दिया, हर चीज पढ़ाई, नंबर सीरीज, मिसलेनियस सीरीज, एसेंट सम, टीएन सम, जितना भी सम होता है, ठीक है, मतलब बहुत वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं। हम लोग को पता है क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं एम कैट आईएमएस में, सब कुछ हम लोग कराया मैक्सिमम, बाकी तो इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। तो हम लोग का यही टारगेट रहता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कराएं, फिर बहुत सारे एक्स्ट्रा सेशन वगैरह होंगे। तो वाकई अगर आप पढ़ने वाले हो, कुछ करना चाहते हो ढंग से, तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए, देख सकते हो आप। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कोर्स इज बैच साइज, कंटेंट तो ओवरऑल रहेगा ही। सबसे अच्छी बात क्या है, हम लोग पूरा लाइव आ गए हैं, पहले हम लोग एक कौन सी क्लास व्हाट्सएप पे होती थी, अब व्हाट्सएप वाला सब चक्कर खत्म हो चुका है, प्रॉपर जूम पे क्लास है। एंड अभी एक ही महीने हुआ जूम पे लिए हुए, और ऑलमोस्ट हर 2 दिन एक नया रिव्यू आ जाता है हम लोग के पास, ठीक है, कम से कम 15 से 20 रिव्यू है। आप मुझे पिंग कर सकते हो, नीचे नंबर दिया हुआ है, मैं आपको रिव्यूज डेमो वीडियो सब दिखा दूंगा, अगर अभी भी करना चाहते हो, करना चाहते हो तो कर लो। दूसरी अच्छी बात क्या है इस कोर्स की, कि कैट का कोर्स नाम है इसका, और कैट के साथ आपको सारे नॉन-टेट कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा, आपको एनमेट स्नैप कोर्स हो, टेस हो, एसआरसीसी कोर्स हो, क्रैश कोर्स हो, कोई भी अगले साल तक, ठीक है, वो आपको सब, यू डोंट हैव टू पे एनी सिंगल पेनी, आप सबके लिए एलिजिबल हो। जैसे कैट के बच्चे टेस्ट की क्लासेस कर रहे हैं सारी, और सब क्लास जूम पे होती है, ग्रामर वगैरह हर चीज, ऐसा नहीं कि नॉन कैट के लिए रिकॉर्डेड दे दिया, ठीक है। तो ये चीज है, चलो गाइस, दिस वाज अवर वीडियो, अगर आपको देखना हो तो आप मुझे पिंग कर लेना, वेबसाइट पे अभी अपडेटेड नहीं है, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको सब डिटेल्स भेजूंगा, कुछ देर बाद वेबसाइट पे भी अपडेट हो जाएगा। चलो गाइस, आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।